ब्रिज बनने से फायदा हुआ है कि नहीं? हाँ, बहुत फायदा सर। तो मैं अभी रक्सौल ढाले से ओवर ब्रिज पे आ चुका हूँ जो फाइनली बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ के जो विधायक हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि रक्सौल को इतना डेवलप की तरफ ले जा रहे हैं। संजय भैया का विजन है, ये चीज आप देख रहे हैं। वहाँ ढाला बंद हो गया है तो लोग आम नागरिक जो है इधर से पार कर रहे हैं, देख रहे हैं ट्रेन आ रही है, ढाला गिरा हुआ है, लेकिन जान से लोगों को बहुत राहत मिल रही है। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें तारिक सफुल्ला और आप लोगों का स्वागत है तारिक सफुल्ला व्लॉग में। ये मैं अभी आप लोगों को लेके आया हूँ रक्सौल ढाला पे, जो पहले काफी जगह पहले कितना जाम लगता था यहाँ पर। ब्रिज बनने से फायदा हुआ है कि नहीं? हाँ, बहुत फायदा सर। ऑटो वाले भैया है, भैया ब्रिज बनने से फायदा हुआ है जान में बहुत फायदा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ के जनता से सुन रहे हैं और ये चीज को आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर जब ट्रेन जाती थी और ढाला बंद होता था तो एक एक घंटा तक लोग जाम में फंसे रहते थे, लेकिन उनके पास अब एक ऑप्शन है ये ब्रिज का। तो इस ब्रिज से वो काफी आसानी से चले जाते हैं और इस जाम से राहत पा रहे हैं और बहुत बच रहे हैं। और रक्सौल में भी बहुत काम हो रहा है, तो इसके लिए सैल्यूट देते हैं। और ये मानिए जो यहाँ के विधायक है प्रमोद कुमार सिन्हा, वो यह काम कर रहे हैं। और जो मैंने आवाज उठाया था इससे पहले कोरिहार चौक से कॉलेज रोड का जो रास्ता खराब था और ये सब जो रास्ता खराब है उसका ये बहुत जल्द काम होगा, पास हो चुका है, क्योंकि मैंने कल पोस्ट भी देखा था सरकार के जी, तो ये चीज देखा था। और यहाँ से आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है, ये चीज देख के मुझे दिल से खुशी मिल रही है। तो फाइनली मैं ब्रिज पे जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया वो ढाला था और ब्रिज नहीं बना था तो काफी जाम होता था, जिससे आम नागरिक को बहुत परेशानी होती थी, आधा घंटा एक घंटा तक जाम में फंसना पड़ता था। और चलिए मैं ब्रिज पे ले जाता हूँ। तो मैं अभी रक्सौल ढाले से ओवर ब्रिज पे आ चुका हूँ जो फाइनली बन के तैयार हो चुका है और इससे आम जनता को, आम नागरिक को बहुत राहत मिल रही है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे रक्सौल वासियों के लिए, और ये जान से राहत पा रहे हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि रक्सौल को इतना डेवलप की तरफ ले जा रहे हैं और आम जनता को इससे बहुत ही फायदा हो रहा है। और वहाँ का जो रोड बन रहा है, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कोरिहार चौक से लेकर कॉलेज रोड तक का, और जो ये बाईपास बन रहा है तो ये भी जल्द से जल्द बन जाएगा, जिससे आम जनता को बहुत ही राहत मिलेगी। देखिए, तो मैं ब्रिज के एकदम बीच में आ चुका हूँ और सबसे ऊपर आ चुका हूँ और ये चीज़ मुझे देख के बहुत खुशी मिल रही है। नीचे अगर आप यहाँ से दिखाएंगे तो जाम से बहुत राहत मिल रहा है। तो ये हमारे भाई हुए, नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार भैया। विनोद भैया, तो यहाँ पर रक्सौल में आपका घर है? नहीं, यहाँ का ससुराल है। आपका ससुराल है जी। तो मैं ढाला पे पहले बहुत जाम लगता था, अभी मैं ब्रिज पे हूँ, तो क्या बताना चाहिएगा यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कहेंगे कि संजय भैया का देन है कि ओवर ब्रिज बन गया, जाम नहीं लग रहा है, घंटा का फायदा है जी। जी, जाम से पहले बहुत, मतलब अभी राहत मिल रही है, बहुत राहत। पहले मैं भी आता था तो उस ढाले पर आधे घंटे एक घंटे तक जाम में फंसा रहता था। दो घंटा हम लोग रुके हैं। दो घंटा रुके हैं। मान लीजिए किसी प्रकार का इमरजेंसी हो जाए उसे तो राहत जरूर हुआ, तो उससे राहत हुआ है जी। और अभी रोड का जो प्रॉब्लम है उसको भी सरकार जल्द से जल्द दूर कर रहा है, इसके बारे में पास हुआ है जी। ये जो चौक है कॉलेज रोड का है और जो बाईपास है तो वो भी बन जाएगा, तो इससे आम जनता को बहुत ही राहत मिलेगा। और फैमिली देख रहे हैं कि अभी ढाला बंद हो चुका है और लोग उस जाम से बचने के लिए उस ब्रिज से पार कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। संजय भैया का विजन है, ये चीज आप देख रहे हैं। वहाँ ढाला बंद हो गया है तो लोग, आम नागरिक जो है इधर से पार कर रहे हैं, तो उनको आसानी मिल रही है, चीज से राहत मिल रही है, जान से जो बच रहे हैं। जी प्रमोद भैया, प्रमोद भैया का देन है कि बहुत बढ़िया, इससे हम भी खुश हैं। ये जनता जो आ जा रहे हैं उनको भी राहत मिल रही है, उनको भी खुश है, जान से बच रहे हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं ट्रेन आ रही है, ढाला गिरा हुआ है, लेकिन जाम से लोगों को बहुत राहत मिल रही है, जाम से लोग बच रहे हैं। ये ब्रिज बनने के वजह से लोग ब्रिज पे से अप एंड डाउन कर दे रहे हैं, ये देखिए आप। तो अब मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, मैंने आपको ब्रिज टोटल दिखाया और मैंने बताया दिखाया सब, आप देख ही रहे हैं वहाँ पर ढाला गिरा हुआ है, लेकिन आम जनता ये ब्रिज बन गया है तो उसका फायदा उठा रहे हैं और इधर से अप एंड डाउन कर रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो को मैं
समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।